बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वो अचानक ईद हो गई तो काम तो सारे वैसे पड़े हुए थे, जो कुछ हो सका रात को किया। हम सुबह उठ के ये शीर खुरमा बना रहे हैं, बाहर मोटर का भी शोर आ रहा है। शीर खुरमे के लिए सोइयां जो है ये भून रही है। बनाने का तो ज़्यादा सोचा था, लेकिन अब जल्दी में ये थोड़ा ही बनाऊंगी। हल्का सा ऑयल डाल के फिर इसको ये है ये फ्राई किया, हल्का सी गोल्डन कलर की हो गई। हाँ, इसमें खुशबू आने लगी, लाइट गोल्डन कलर की। अब इसमें मैं दूध डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जल्दी जल्दी में सारे काम कर रहे हैं, बस टाइम कम है। दूध डालती तो कम है। ये खुरमा तो इतना ज़्यादा नहीं, पतीली काफ़ी बड़ी है, बड़ी पतीली में बना रही हूँ। और मैंने ये काटे हुए हैं बादाम जो रात को भिगो दिए थे, और ये हैं छुहारे, इसको मैंने कट किया। और मैं ये किशमिश जो है ये साफ़ कर रही हूँ, ये भी साफ़ करके तो उसको देती हूँ। ये दूध उसमें शीर खुरमे में डाल लेंगे। भाई का सूट मैंने रेडी कर दिया है, वरना नहा के तो नमाज पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं। और जल्दी जल्दी से हम अपने काम कर लें। अब ये दूध मतलब सोइयाँ उबल रही हैं, तो अब इसमें मैंने छुहारे थोड़े डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो रात के भिगोए हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े डाल देती हूँ, सॉफ्ट हो जाएंगे। जल्दी में याद ही रहा, मैंने सारा कुछ मिक्स ही कर दिया। बादाम और छुहारे पहले डाल देगी ना? बादाम में डाल देती हूँ। देखो तो काफ़ी ज़्यादा था, जितनी ज़रूरत है बस उतने जल्दी में काट ली, चीज़ रेडी कर ली। शीर खुरमा हो गया है रेडी। अब इसमें मैं अंडे पे डालूँ किशमिश। हाँ, उसमें चीनी भी इसने डाली है। हम जल्दी जल्दी का वीडियो क्लिप बनाना भूल गए हैं। अंडे में ये हाँ केवड़ा थोड़ा एक दो बूंद खुशबू के लिए। अब ये मिक्स कर देगी तो ये हो जाएंगे रेडी। चलो ये हो गए हैं रेडी। अब इसको बर्तन में डाल के तो ठंडा करते हैं ताकि ये खा लें और नमाज़ पढ़ने जाएं। चलो ये शीर खुरमा हमारा हो गया रेडी। ये मैं भाई को दे के आती हूँ, वो खा लें। भाई नमाज पढ़ के आ गया, तो वो अब मोबाइल पे फ़ोन करके सबको एक दूसरे को जो है ईद मुबारक के पैगाम दे रहे हैं। ईद मुबारक जी मेरी तरफ से। हाँ, हमारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। आप सबको और आपके आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मोहम्मद बिल भी रेडी हो गया, लेकिन अभी उसका मूड नहीं है वीडियो बनवाने का, तो वो अपने वॉच और जो ग्लासेस उतार के रख दी और बार बार कह रहे मोबाइल दे दो, मैंने कार्टून देखने। रात को सफाई हमने की थी, फिर आंधी आ गई, बारिश आ गई, दोबारा सारे हमने सफाई वगैरह कर ली है, चीज़ें वगैरह सेट कर ली हैं। अब जो है ये जो है कपड़े, ये मैं प्रेस करके ये मैं पहनूंगी। ये मेरा ईद का सूट है। मैं बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को कि बाहर कितनी बारिश हुई है। सुबह सुबह बारिश हो गई इतनी ज़्यादा, ये देखा बाहर बारिश हो गई। और मैंने धो धा के सारा यहाँ से साफ़ कर लिया है। यहाँ से बारिश हुई थी इतनी ज़्यादा, बाहर कितना गंदा है। अभी बादल बने हुए, अभी भी बादल बने हुए नज़र आ रहे होंगे नज़र, कुछ बहुत बारिश है। काले स्याह क्या कहते हैं, काले तो और काले बादल आए हुए थे। मोहम्मद बिल हो तो गया रेडी, और वॉच और वो ग्लासेस नहीं पहना, कहते हैं मोबाइल मुझे अपना दे दो, मैंने कार्टून देखने हैं। और ये है इसकी जूती, और ये इसके मामा ने इसके सूट पे कढ़ाई की हुई है। वो छोटे छोटे बच्चे रेडी हो गए इंजॉय कर रहे हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बच्चों की तो ईद होती है सारी। चलो मोहम्मद बिल चले अंदर, मोहम्मद बिल अंदर चले। चलो मोहम्मद बिल अपने भी ग्लासेस पहनो वॉच पहनो। चलो आओ ना, आओ चले कार्टून देखने। ये है मेरा ईद का सूट जो कि मैंने खुद ही स्टिच किया है। गले पे मैंने बटन लगाए हैं,
ये फ्रॉक स्टाइल में बनाया है, बॉडी छोटी रखी है और नीचे से ऐसे शॉर्ट फ्रॉक है, ज़्यादा लंबी नहीं है। ये ग्रीन कलर का दुपट्टा है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है लेकिन इसमें ग्रीन से आ नहीं रहा, मेरे को ग्रीन जो प्योर ग्रीन कलर होता है ना वो वाला है। ये साथ में इसकी शलवार है, इसके पांचे मैंने तंग रखे हैं, मैं तंग पांचे वाली शलवार साथ में बनाई है, ट्राउज़र नहीं बनाया साथ। अभी ये मैं पहनूँगी, मैं बाजू ऐसे बनाए हैं आगे से। सिस्टर बना रही है सिंधी बिरयानी, उसके लिए उसने तैयारी शुरू कर दी है अपने, उसने अपने कितने काम संभाल लिए जो जो उसने कर लिए। चलिए बनाती है तो हम देखते हैं कैसे बनाती है। उसके ये आलू छिलके रखे हुए हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने बनाई थी दिन को बिरयानी जो कि हमने खा ली थी, भूख बहुत लगी हुई थी और ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था, थक भी बहुत गए थे। तो ये बिरयानी है सिंधी बिरयानी, इसमें वो बोटियाँ और ये आलू हैं, ये हमने खा पी लिए थे और शीर खुरमा खाया था, आज हमने यही बनाया, बाकी हम कल बनाएंगे। और ये मैं हूँ, ये मेरा सूट जो मैंने पहना हुआ था वो, ये देखिए मेरा सूट ऐसे नज़र आएगा सही। हाँ ये मेरा सूट, ये मेरी जूती, ये फ्रॉक्स, और मैंने सिर्फ ये चूड़ियाँ ही पहनी हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये मेरा साथ का दुपट्टा है ग्रीन कलर का, और ये मस्टर्ड से येलो से कलर की शलवार है, और ये साथ में सूट जूती भी इसके साथ मैच हो गई। ये देखिए, ये देखिए, मैंने नेल पॉलिश भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। ये बहुत प्यारा ग्रीन कलर, ये कैमरे में अच्छा कलर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल प्योर ग्रीन कलर है, ये कैमरे में अजीब सा कलर आ रहा है। चलो हमारे किचन का काम हो गया है ख़त्म, ये देखिए बर्तन वॉश हो गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, शाम हो गया, हम रेस्ट करेंगे, और हम करेंगे रेस्ट। और ये देखिए आज के दिन भी हदमाना खा रहा तरबूज हम कल लेके आए थे खाने के लिए, लेकिन तब हम रोज़ा नहीं हुआ तो फिर आज के दिन के लिए खाना था, वो वैसे काट के रख दिया था, तब वही खा रहे हैं साथ काला नमक लगा के। तो भाई साहब मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं और साथ साथ तरबूज को इंजॉय कर रहा है। अच्छा जी, ये है, हमने आज कोई खास तैयारी नहीं की थी क्योंकि थक बहुत गए थे, तो ना तो इसने मेहंदी लगाई है ना कुछ, इतने चूड़ियाँ भी नहीं पहनी, वो ब्रेसलेट पहनी हुई है बस, और मैंने बस चूड़ियाँ हल्के से पहन ली थी, ये कलर मेरे में अच्छे नहीं इतने आ रहे, और हमारी जूतियाँ ये हैं, सूट हमारे मेरे तो जूते एक जैसे ही हैं, फ्रॉक स्टाइल में हमने पहने और प्लेन साथ में दुपट्टे हैं, ये प्लेन इसका भी प्लेन दुपट्टा, इतनी जल्दी ईद आ गई दुपट्टे कन्नी भी नहीं मोड़ी। हाँ दुपट्टा डाई करा, वो बिल्कुल परफेक्ट कलर का डाई भी नहीं हुआ, थोड़ा सा कलर भी चेंज उसने कर दिया, लेकिन चले हमारा गुजारा हो ही जाएगा इस दफ़ा, चलो नहीं तो होगा। और बाजू ऐसे बनाए हुए हैं, इलास्टिक डाला हुआ है, मैंने बेल शेप बाजू बनाए हैं, हल्के से बेल शेप, बाजू तो का पीस थोड़ा सा कम कम लग रहा था, मैंने बेल शेप बाजू बना लिए। और ये हमारे साथ तो भाई बैठा हुआ है, इसको भाई किसका भाई, हमारा भाई है, सुबह से मोबाइल पर चिपका हुआ है। और ये हमारे कपड़े हैं सॉफ्ट से ईद वाले, हाँ घर में पहनने वाले, इसके भी यहाँ से ये फ्रॉक सी बनी हुई है, ये लेस लेस सीढ़ी लेस लगा के ना तो ये बनाई हुई है। और इसने ये भी पहना हुआ है जी, ये तो ईद पे पहनना बनता है। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं पहनना बनता, बाकी तो हमने कुछ तैयारी की नहीं, बस यही हल्का फुल्का सा हम तैयार हुए हैं, और मैंने भी यही पहना, बस हमारी जूतियाँ भी जो एक जैसी मैच होगी, कपड़े भी एक जैसे, नहीं नहीं है ये पहले वाली पड़ी हुई है, हाँ। तो हमारे कपड़ों के साथ बिल्कुल सेम मैच होगी, तो मैंने ऐसी जूती कभी नहीं ली थी, फर्स्ट टाइम एक दफ़ा ही ली है, और मैंने एक दो दफ़ा ये पहनी हुई थी, तो आज इस सूट के साथ बिल्कुल मैच, उसकी भी सूट के साथ मैच होगी और मेरी भी मैच होगी, हमारा काम हो गया ऐसे। बस आज थकन की वजह से कुछ ज़्यादा व्लॉग हम लोग नहीं बना सके, छोटा सा व्लॉग ही बनाया, मोहम्मद बिल भी थक के सो गया था, तो हम आज जल्दी सो जाएंगे, तो कल इंशाल्लाह फ्रेश होके फिर अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे। आप सबको हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक, और ये अचानक ईद आई है तो इसलिए ज्यादा किसी की भी तैयारी नहीं हुई, तैयारी नहीं बिल्कुल, जिससे भी पूछा उसने कहा हमारी तैयारी नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन चले जो भी था शुक्र अल्लाह का अच्छी ईद गुजर गई, बहुत अच्छी सेहतमंद तंदुरुस्ती के साथ, खैर वाफियत के साथ रोजे, मौसम भी अच्छा था बहुत ज्यादा, और हाँ मौसम भी ठंडा हो गया,
और रोजे भी अच्छे गुजर गए। कल इंशाल्लाह हम अच्छे से तैयार होंगे तो फिर जो है फिर व्लॉग अच्छा सा बनाएंगे। और आज बस इतने ही व्लॉग बनाते हैं। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।